please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में आज एक बार फिर भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर बुरी तरह रौंदा था और भारत के क्रिकेट प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि आज के मैच में भारत शानदार जीत दर्ज करेगा। एशिया कप में भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही अपने विरोधी टीमों को करारी शिकस्त दी है। और आज भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। एशिया कप भारत का मुकाबला आज पाकिस्तान से होगा। हालांकि पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की थी और आज देखना होगा कि जीत किसकी पारी में आती है। भारत बांग्लादेश मैच को खत्म हुए मिनट ही नहीं बीते थे, ठीक उसके बाद जो यहां इस मैदान दुबई क्रिकेट स्टेडियम के जो स्टाफ हैं तुरंत लग गए अगले मैच की तैयारी के लिए। आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से जो क्यूरेटर हैं वो पिच को तैयार करने में जुट गए। अभी से ही भारत पाक महा मुकाबले पर है। पहले मैच में जाहिर सी बात है टीम इंडिया ने बहुत आसानी से पाकिस्तान को हराया, लेकिन दूसरे मैच में पिच का रुख कैसा होगा ये हर किसी को, लेकिन उन्होंने बाद में बल्लेबाजी की, उन्हें पिच का बेहतर अंदाजा हो जाता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से भारत पाक का जो पहला मैच था उस पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करती है तो यकीन मानिए टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। कैमरामैन मनोज मेनन के साथ विमल कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दुबई। और आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशिया कप का ये मैच खेले जा रहे हैं और जहां पर आज बड़ा दिन है भारत और पाकिस्तान के लिए। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे चुका है भारत। सरकारी योजनाओं को लेकर आम लोगों का रवैया आमतौर पर निराशाजनक ही रहता है, लेकिन अब लोगों के नजरिए को बदलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसका आगाज किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ने। हरियाणा के मेवात की रहने वाली जैबुन निशा आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने वाली देश की पहली मरीज है, जिनके लिए योजना वरदान साबित हुई। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया था, तब इसको लेकर तमाम शंकाएं जताई गई थीं। आम जनता को भी लगा था कि ये योजना भी सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। पहली बेनिफिशियरी बनी है जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फायदा मिला है। जेबुनिसा यहाँ अपने परिवार के साथ रहती है। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जेबुनिसा के घर की। ये तमाम जो आप मेंबर्स देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, ये जेबुनिसा का परिवार है। जेबुनिसा इस घर में अपने शौहर और अपने 6 बच्चों के साथ यहाँ पर रहती है। मजदूरी करके पेट पालने वाले इस परिवार में पहले जब कोई बीमार पड़ता था तो दवा या रोटी में से किसी एक को चुनने की नौबत आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुई थी, आप क्यों गए थे अस्पताल? मैडम मेरे सू की चीज चली, दर्द हुआ सू का, सारो पैर सूझ, इन्फेक्शन हो। 2 दिन तक मैं घर में रही ही, 3rd दिन में वहाँ गई, फिर मैं एडमिट कर ली, 9 दिन तक रही मैं। तो आपको मालूम है पहली हैं आप? हाँ जी मालूम है कि पहली हैं, उन्होंने बताया कि आप पहली हैं इलाज करना। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने से पहले जेबुनिसा और इनके परिवार को आयुष्मान भारत योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इलाज के खर्च को सुनकर ये निराश हो गईं, वापस घर लौट रही थीं, तभी इनकी नजर अस्पताल के इस कोने पर पड़ी और फिर सारी मुश्किलें चुटकियों में हल हो गईं। भूख से समझौता भी नहीं करना पड़ा और बीमारी से भी निजात मिल गई। आज पूरा परिवार गर्व के साथ अपने आयुष्मान कार्ड की तारीफ करता है। ये बताओ आप जो ये दिखा रहे हो, क्या इसका फायदा है, क्या बताया गया आपको? यही बताया कि आपका फ्री इलाज चलेगा, 105 लाख तक को इलाज फ्री होएगा आपका अस्पताल में। इससे कुछ मदद मिलेगी आपको?
हाँ ये आके दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। दुखी परिवार क्यों ना हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है, कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। कुछ यही हाल इस परिवार का भी है। अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं होती तो जेबुनिसा का परिवार इलाज का मोहताज होता, क्योंकि 18,000 रुपए की व्यवस्था करना इनके लिए दूर की कौड़ी था। घर कैसे चलता है सर जी? मजदूरी कर रहे हैं, जब घर चले हैं मजदूरी करके लाए हैं, जब चले हैं अगर इस मजदूरी का पैसा, अगर बीमार हो जाए मजदूरी का पैसा भी बीमारी में लग जाए फिर खाने के लिए क्या। आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को बताने के लिए अस्पतालों में आयुष्मान मित्र मौजूद रहते हैं, जो मरीजों की पूरी मदद भी करते हैं। लेकिन आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। ये योजना क्या है, इसका फायदा किसे मिलेगा और सबसे बड़ी बात कैसे मिलेगा? जेबुनिसा के केस में इन सारे सवालों के जवाब समझे जा सकते हैं, जो इलाज के लिए मेवात के सरकारी अल आफिया अस्पताल गई, जो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा हुआ है। इलाज का काम शुरू कर दिया गया है। अस्पताल पहुंचने के बाद जेबुनिसा को अपनी बीमारी के बारे में पता चला। जेबुनिसा जो पेशेंट यहाँ पर आई थी, कितने समय तक यहाँ रही और क्या उनका इलाज हुआ? जेबुनिसा पेशेंट यहाँ पे लगभग 10 दिन के आसपास रही थी और उसको एक सेलुलाइटिस नाम की बीमारी थी, जिसमें हाथ पैर में सूजन आ जाती है और साथ में ललाईपन भी आता है उस, और वो एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जिसके लिए हमने उसको यहाँ पे 10 दिन के लिए रखा। लेकिन इलाज का खर्च जानकर जेबुनिसा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इनकी मुलाकात आयुष्मान मित्र से हुई, जिनको योजना के बारे में बताने और लोगों की मदद करने के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि मेवात का गवर्नमेंट अस्पताल है। इसी तरीके से तमाम जो अस्पताल होते हैं वो बने हैं, तमाम अस्पतालों में इस तरीके के आयुष्मान मित्र के कैबिन्स बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आयुष्मान भारत का, आयुष्मान मित्र का कोना है, जहाँ पर राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे कोई ना कोई इस जगह पर उपलब्ध रहता है। जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर जाकर पहले अपनी जानकारी देते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पर आयुष्मान मित्र जो हैं वो चेक करते हैं कि कार को मिलेगा जिसका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, जिस घर की मासिक आय 10,000 रुपए से कम है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जिसके पास खेती की जमीन बेहद कम है, जिसके पास आय का कोई पक्का साधन मौजूद नहीं है। 55 करोड़ लोगों को ये हेल्थ कवरेज देने वाला ये कार्यक्रम है, इसलिए ये भारत की तस्वीर, तकदीर, दिशा, दृष्टि, दशा सब बदलने वाला है। राज्य में 68 लाख परिवार रहते हैं, जिसमें 57 लाख परिवार इस हेल्थ स्कीम से कवर हो जाएंगे, यानी हमारी राज्य की 85% आबादी इस हेल्थ स्कीम से कवर्ड हो जाएगी, जहां कोई भी कैशलेस पूरी तरह रहेगा। इस योजना का पहला लाभ पाने वाली पहली मरीज को राशि में शामिल किया गया है। क्या आप गरीब हैं और बीमारी के इलाज के लिए जेब में पैसे नहीं हैं? क्या आप सरकार के तय मानकों पर खरे उतरते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने पास के सरकारी अस्पताल में पहुंच जाएं, बाकी काम अपने आप होते चले जाएंगे। एडमिशन जब स्पेशलिस्ट उसको एडमिट करते हैं, उसके बाद हमने एक स्पेशल एरिया डेजिग्नेट किया है जिसको हम आयुष्मान मित्र कियोस्क कहते हैं, वहाँ पे राउंड द क्लॉक आरोग्य मित्र अभी ने बोलते हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। एडमिशन के बाद पेशेंट इनके पास जाएंगे। और आज जेबुनिसा के परिवार की खुशी देखकर एक उम्मीद जागती है और इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसी योजना की देश को बेहद जरूरत भी थी। देश में आयुष्मान भारत की जरूरत क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि हर राज्य में स्वास्थ्य को लेकर अपनी कोई ना कोई योजना तो चल ही रही है, ऐसे में नई योजना की जरूरत भला क्यों? जवाब है असर।
जी हाँ, स्वास्थ्य योजनाओं का असर अब साफ दिखने लगा है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा पहली बार 10 लाख से कम रहा। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर पहली बार दुनिया की मृत्यु दर के बराबर आ गई। दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा घटकर अट लीजिए झारखंड के ये आंकड़े। नवजात मृत्यु दर घटकर प्रति हजार 29, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा है 33। पांच साल से कम बच्चों का मृत्यु दर अब घटकर 33 प्रति हजार रह गया है। अस्पतालों में हो रहे प्रसव का आंकड़ा बढ़कर अब 83% हो गया है। अब जब असर दिखेगा तो खुशी भी लाजमी है। बच्चे का जो मृत्यु दर है 33 पूरा राष्ट्रीय दर है, बाकी हमारा 29 है, समझे ना। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत विकास हो रहा है झारखंड में। सवाल है कि भला मृत्यु दर घटती कैसे है? हर महिला की डिलीवरी अस्पताल में ही हो, जन्म के एक घंटे के अंदर मां का पीला दूध पिलाया जाए, एक महीने तक प्रॉपर मेडिकल केयर हो, पहले मां को अब अस्पताल पहुंचाया जाने लगा है। टाइम से नाश्ता, खाना, बेड उठ सब साफ सुथरा सब चीज मिल रहा है। दवा टाइम पे मिल रहे हैं, नर्सेस डॉक्टर्स टाइम पे आते हैं और चेक करके जाते हैं। यकीनन स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। आयुष्मान भारत योजना से देश की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। आज की तारीख में जो पैकेज रेट्स गवर्नमेंट दे रही है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बेसिस पे है। गवर्नमेंट ने आज तक के कोई भी साइंटिफिक कॉस्टिंग स्टडी की नहीं है। चुनौती नंबर एक, खर्च को कंट्रोल करना। योजना पर लागत बढ़ने से बीमा कंपनियों का प्रीमियम बढ़ेगा, जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर ही पड़ेगा। चुनौती नंबर दो, सही लाभार्थियों की पहचान। एक ही नाम के कई लाभार्थी, नाम की स्पेलिंग में अंतर, ऐसी कई चीजें हैं जो सही व्यक्ति की पहचान में दिक्कत पैदा करती हैं।